दोस्तों, मैं हूं काजल और आज मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आई हूं जो है आपके पीआरटी के रिजल्ट को लेकर। जैसे कि आपको पता है, कल जो है फाइनल आंसर की जो है जारी की गई थी, ना सिर्फ आपके पीआरटी के एग्ज़ाम की ही करी गई थी बल्कि जिनके फरवरी, मार्च और अप्रैल में थे उन सभी की जो है आंसर की जो है जारी की गई थी। तो अब बारी है गाइस आपके रिजल्ट की। जी हाँ, एक साथ जो है 13 एग्ज़ामों की जो है लिस्ट जो है कल फाइनल आंसर की जारी की गई थी, ये बात आपको पता होगा। गाइस पीआरटी जिनकी जो है, जैसे कि आपको पता है पीआरटी की 2 पोस्ट पर निकली थी, 42/21 जिसकी जो है 434 पोस्ट पर, और वहीं 47/21 यानी कि 120 पोस्ट पर जो वैकेंसी निकली थी, और जिनके एग्ज़ाम जो है 7 मार्च से जो है 30 मार्च तक कंडक्ट हुए थे, तो इनकी फाइनल आंसर की काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे तो ये आउट हो चुकी है। और जिनके और के भी रिजल्ट रह रहे हैं वो भी जो है मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कि जेएसए वालों का रहेगा, इन सब का रिजल्ट जो है कब आएगा, साथ ही साथ पीआरटी का रिजल्ट भी जारी होने वाला है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो वीडियो गाइस आपको ये खास सुनने वाली है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया, ये वाली फाइनल आंसर की को, और इसमें दिखा देती हूँ। जैसे कि इसमें एक साथ 13 सेट थे, जैसे कि आपकी फार्मासिस्ट की थी, असिस्टेंट टीचर की थी, ये कल ही जो है डाउनलोड हो गई थी। इसमें देखिए मैं दिखा देती हूँ फिर भी एक बार, और फिर रिजल्ट के बारे में भी बताऊँगी। देखिए, फार्मासिस्ट की ये 18/21 एग्ज़ाम था 20/2/2022 यानी कि फरवरी वालों का। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी 42/21 आपका ये रहा, 42/21 जिसकी जो सबसे ज़्यादा डिमांड थी, एग्ज़ाम था इनका 7 मार्च से लेके 30 मार्च तक, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। और वहीं आपकी असिस्टेंट टीचर 14/21 8/3/2022 एग्ज़ाम, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र 26/21 एग्ज़ाम था इनका 8/13 को, और सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की आई है ड्राफ्ट ग्रेड 1 की आई है, जूनियर इंजीनियर की आई है, फार्मासिस्ट होम्योथेरेपी की आई है, जूनियर डायरेक्टर की आई है, जूनियर इंजीनियर की आई है, कारपेंटर की आई है, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी 47/21 देखिए जिनका ऑनलाइन एग्ज़ाम था 23/26 में, और जूनियर सीक्रेट असिस्टेंट की भी बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे 44/21 वाले, तो उनकी भी गाइज आ गई है फाइनल आंसर की। ये रही इनका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन 1 तारीख से लेके और आपका 23 तक हुआ था, ठीक है। वहीं जो है टेक्निकल असिस्टेंट की भी आ गई है। अब बात करें, जैसे कि आपको पता है ये लिंक जो है केवल एक्टिवेट रहने वाला है आपका कल से, यानी कि 27 जून से लेकर 1 तारीख तक, यानी कि 1 जुलाई तक ये लिंक एक्टिवेट होने वाला है। तो आप जो है अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के इसे देख सकते हैं। अब बात आपके गाइस रिजल्ट की कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कमेंट थी आपकी, जैसे कि जेएसए की सबसे ज़्यादा आती है मेरे पास कमेंट, इसका रिजल्ट कब आएगा, एक तो ये वाला 40/21 वालों की आती है, एक असिस्टेंट टीचर की जो 47/21 और आपकी 42/21 है, इसकी सबसे ज़्यादा कमेंट आती है कि इनका जो है रिजल्ट कब आएगा। तो गाइज़ वही मैं बताने वाली हूँ कि आपका जो है रिजल्ट कब आएगा। तो गाइज़ ये अब आपका रिजल्ट जो है 15 दिन बाद जो है आउट हो लेगा। जी हाँ, 15 दिन का एस्टिमेट लगाएं तो आपका यही मान लीजिए ये जो है 18 जुलाई तक आपके रिजल्ट भी आ लेगा, ठीक है ना। तो आपके पास इंतज़ार में थोड़ा टाइम बचा है, इसे और कर लेना। और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके दोस्तों में जो है शेयर कर देना, और किसी को जो है आंसर की देखने में जो है प्रॉब्लम आ रही है तो हमें जो है बताना, हम जो है आंसर की जो है कैसे चेक करते हैं उसके बारे में भी वीडियो बना देंगे न्यू, और उसमें जो है आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो बस इतना ही आज के लिए। तो अभी के लिए गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।